اشرف
मगर जिसे अल्लाह ने इंसान पैदा किया है वो अशरफुल मखलूकात रहता है अगर इंसान ही रहे तो। इंसान होना इज्जत है, इंसान होना अजमत है, इंसान होना शरफ है, इंसान होना फजीलत है, इससे बड़ी कोई फजीलत ही नहीं है। देखें, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और इस जमीन और आसमान के बीच में हजारों किस्म की मखलूकात को पैदा किया और इन तमाम मखलूकात पर हजरत इंसान को फजीलत और फौकियत अदा की, इंसान को शरफ अदा किया है, हजरत इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से अफजल और अशरफ करार दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान होना बड़े शरफ की बात है। और तो करें कि ये बेचारी जो चींटी है, ये चींटी पैदा हो गई, खाली उसका भी अल्लाह है, ये जो मक्खियाँ हैं, ये जो गधे और घोड़े हैं, ये जिन जानवरों पर सवारी की जाती है, खाली तो उनका भी अल्लाह है, उनको अल्लाह ही ने पैदा किया है और हमें भी अल्लाह ही ने पैदा किया, हमारा भी खालिक अल्लाह है। आप कभी गौर करें, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर हम चींटी होते तो क्या होता, अगर हम मक्खी होते तो क्या होता, अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान इंसान ना होता तो सोचे भाई जब मैं इंसान ना होता, कोई गधा होता, कोई जानवर होता तो क्या होता। तो आप ये सोच कर शुक्र करेंगे ना कि परवरदिगार का बड़ा एहसान है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और खुदा उनके आलम ने मुझे इंसान पैदा किया है। मगर कभी इस बात पर गौर किया है कि चींटी ने क्या अपनी तकलीफ से पहले कोई उजूर किया था कि उसे चींटी पैदा किया जाए, क्या इंसान ने अपने पैदा होने से पहले कोई कमाल पेश किया था कि अब इसको इंसान ही पैदा किया। इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए,
सही है ना, यही कोशिश होती है। कितने लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं कि ये बेहतरीन इंसान बन जाता है। इंसान का डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, पॉलिटिशियन बनना, इंजीनियर बनना आसान है। इंसान का इंसान बनना उसका काम क्या है? इंसान बनना। तो देखिए, हम इंसान पैदा हुए, आप कहेंगे कि ये कैसी बात है कि एक तरफ मौलाना ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें इंसान बनना मुश्किल है। तो इंसान को अल्लाह बनाता, इंसान को अल्लाह पैदा करता, और अल्लाह ने जब हमें इंसान पैदा कर दिया है तो अब खत्म हो गई बात। अब हम जब तक हैं हम इंसान रहेंगे। सुन लीजिए इस बात को, गौर से सुन लीजिएगा कि इंसान पैदा होना शरफ की बात है, इंसान के पैदा होना इज्जत की बात है, इंसान पैदा होना अजमत है, फजीलत है, शरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इंसान पैदा हुए ये अल्लाह का करम है, मगर हम इंसान पैदा हुए ये हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारा इंसान पैदा होना हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का करम है कि हम इंसान पैदा हुए हैं। हमारा कमाल ये होगा कि अगर पैदा इंसान हुए हैं तो हमेशा इंसान ही रहेगा। इंसान शक्ल की वजह से नहीं कहते, इंसान अक्ल की वजह से कहते हैं। इंसान इस वजह से इंसान नहीं कहलाता क्योंकि हम खास किस्म की शक्ल रखते हैं, नहीं। साहिबान इल्म यहाँ मुझे जिस होते हैं जानते हैं कि आदम का बेटा भी हैवानात में से एक हैवान है, इसे इंसान कहा जाता है। किस वजह से? अक्ल की वजह से। जौहर इंसानी क्या है? अक्ल है। तो अगर हमारी जिंदगी अक्ल के साथ गुजरेगी तो इंसान कहलाएगी, ठीक है ना। और जिस इंसान की जितनी अकल होती है उतना ही वो इंसान होता है। जितनी उसमें अकल पाई जाता है, गौर फरमाइए, इंसान अशरफुल मखलूकात जब हमने कहा इसमें सिर्फ हैवानात तो नहीं आए, इसमें फरिश्ते भी आए, तो फरिश्ते भी अल्लाह के मखलूकात हैं। जब कहा जाएगा कि इंसान अशरफुल मखलूकात है तो इसका क्या मतलब है कि मलाइका से भी अशरफ है। कैसे? मलाइका से इंसान कैसे अशरफ हो गया जबकि मलाइका जो है जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो मासूम है। इंसान से गुनाह सरदर्द होते, ठीक है, हम गुनाहगार हैं, मलाइका मासूम है। फिर मलाइका हर वक्त इबादत करता है, वो अल्लाह की इताअत करता है, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, ठीक है, और वो अल्लाह की गुलामी मौजूद है। हम कैसे फरिश्तों से अफजल हो जाएंगे? गौर फरमाइएगा, हाँ, ये इंसान कौन पहलू बयान कर रहा है? एक पहलू मौजूद है कि अशरफुल मखलूकात है, ये सब अशरफुल मखलूकात नहीं, ये असफल मखलूकात भी है। इंसान अपने शरफ पर कायम रहे तो जिब्राइल से भी अफजल होता है, और अगर अपने मकाम से नीचे गिर जाए तो निजस जानवर से भी अफजल होता है। हलाल और हराम में क्या फर्क होता है हैवान को नहीं पता, उसके लिए ये कानून नहीं है।
ये कानून किसके लिए है? इंसान के लिए। दीन किसके लिए है? इंसान के लिए। अकाय कमाल अखलाक ये किसके लिए है? इंसान के लिए। हैवान अगर अपने मालिक उसको अगर आदार करे तो मालिक के खेत के अलावा किसी और की जमीन से भी जाके चल रहे तो उसके लिए दौलत नहीं है, जानवर की आग नहीं है, हराम खा ले तब भी उसके लिए जानवर की आग नहीं है। हाँ अलबत्ता मालिक जान बूझ कर किसी के खेत में छोड़ेगा तो ये जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। जो हैवान का मालिक है उसके जान बूझ कर किसी की फसल का नुकसान करवाता है तो ये तो जवाब देगा अल्लाह की बारगाह में, लेकिन हैवान जवाब दे नहीं। तो हैवान गुनाह करे तो हैवान से कोई शिकवा नहीं, उसके लिए ना आग है ना अजाब है ना दौलत है। क्यों? इसलिए कि उसके पास कोई चीज ही नहीं है कि जो उसे गुनाह से बचने का कहे। हैवान सजदा नहीं करता, इबादत नहीं करता, वो भी उससे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उसके पास वो चीज ही नहीं पाई जाती कि जो उससे इबादत करवाती, वो चीज की जो गुनाहों से बचाती है या इबादत करवाती है उसका नाम अक्ल है, वो हैवानात में नहीं होती। लिहाजा हैवानात से कोई शिकवा नहीं है, नाम के लिए कोई नाम नाराजा रहना है। फरिश्ते अगर इबादत कर भी रहे हैं तो उनकी उन फरिश्तों की इबादत कमाल नहीं है, ठीक है। वो अगर गुनाह से बच भी रहे हैं और मासूम है तो फरिश्तों का गुनाह से बचना कमाल नहीं है। क्यों कमाल नहीं है? इसलिए कि फरिश्तों के अंदर वो चीज पाई नहीं जाती कि जो उनसे गुनाह करवाते, गुनाह ख्वाहिशात की वजह से होते, ठीक है ना। ख्वाहिशात इंसान का हैवानी कर दिया, अक्ल इंसान का मलकूती कर दिया। क्यों समझ लें कि इंसान के अंदर अल्लाह ने दोनों चीजें रखी हैं, इंसान के अंदर एक हैवान भी रखा है ख्वाहिशात की सूरत में, एक फरिश्ता भी रखा है अक्ल की सूरत में, ठीक है ना। ये दोनों कुवतें आपस में लड़ती हैं, मसूल से जंग करती हैं। हर इंसान के अंदर एक महाद लगा हुआ है, अक्ल और ख्वाहिशात हमेशा इनकी आपस में जंग है, लड़ाई है। अक्ल मलकूती पहलू है, हर इंसान को अक्ल कहती है कि अपने असल इंसानी शरफ की हिफाजत कर, अल्लाह को सजदे कर, अल्लाह की बंदगी कर, अल्लाह की इबादत कर, हराम कामों से बच, गुनाहों से बच, गीबत न कर, झूठ न बोल, किसी का हक न खा, किसी का दिल न दुखा, किसी का दिल न सता। तो अक्ल का तो यही तक आता है, अक्ल गुनाहों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है। अक्ल की हकीकत खुदा की इबादत कर, अल्लाह की बंदगी कर, अल्लाह ने तुझे इंसान पैदा किया है, अपने इंसानी शरफ की हिफाजत कर, यह कहती है अक्ल। ख्वाहिशात कहती हैं कि थोड़े से अच्छे के लिए दुनिया में आया है, जिंदगी एक बार मिलती है, खाओ पियो मजे करो, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, तौबा कर लेंगे खुदा माफ कर देगा। ख्वाहिशात कहती हैं कि ख्वाहिशात की तस्कीन का सामान होना चाहिए, हलाल और हराम की परवाह न करो, न देखो कि क्या गुनाह है क्या सवाब है, ख्वाहिशात का ये तकाजा है। तो ख्वाहिशात कहती हैं कि शरीयत की हुदूद को तोड़ दो, ठीक है ना, दीन के रास्ते को तोड़ दो, आजाद हो जाओ ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए। तो ख्वाहिशात का ये तकाजा अतो कहती है नहीं, दीन के दस्तूर के अंदर रहो, शरीयत के आईन की पाबंदी करो, हलाल और हराम में फर्क करो, खुदा की इबादत करो, अल्लाह की इताअत करो। दोनों की आपस में जंग लगती है। इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो या काफिर के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा अशरफुल मखलूकात होता है, और खुदा हर पैदा होने वाले बच्चे के सर पर शरफ का जो ताज रखता है वो एक खास उम्र तक उतारता नहीं है, यानी जब तक वो बालिग नहीं हो जाता वो अशरफुल मखलूकात होता है। लेकिन जैसे ही एक इंसान बालिग होता है तो अल्लाह कहता है देख, अगर अपने जौहर इंसानी आकल के मुताबिक किएगा तो फिर तू इब्राहिम से भी अफजल है, और अगर तेरी ख्वाहिशात तेरी अकल पर गालिब आ जाएगी तो फिर तू जानवर से भी बनता है। शायस्तगी, नजरबंदी, रहमदगी, मेहरबानियां, ये सब एक तरफ रख देते हैं,
کیونکہ خواہشات کی پیروی دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ جب انسان مسلسل خواہشات کی پیروی کرے گا عقل مغلوب ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا آپ تو شکل تو اس کی یہی رہے گی، ظاہر میں تو یہ آدم کا بیٹا ہی نظر آئے گا، مگر یہ حقیقتا آسمان انسانیت سے نیچے گر جائے گا، یہ زمین حیوانیت پر آ جائے گا، یہ اب صرف دیکھنے میں انسان ہے، یہ اندر سے ایک حیوان ہے، جب یہ مرتا ہے تو یہ انسان نہیں ہوتا، روز حشر جب اٹھایا جاتا ہے تو یہ انسان نہیں ہوتا۔ روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی شرم انسانی سے محروم ہو جاتا ہے، اس نے اپنے اندر کے حیوان کو قبی کر دیا، اس کا حیوان اس کی عقل پر غالب آ گیا، اب یہ انسان نہیں رہا، اس نے اپنے جوہر انسانی سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، یہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد اب یہ صرف دیکھنے میں انسان ہے مگر یہ اندر سے مکمل حیوان ہے۔ جب یہ مرے گا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو گناہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جب یہ مرے گا تو یہ مرتے وقت حیوان ہوگا، قبر میں جائے گا حیوان ہوگا، حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو حیوان ہوگا، اور کس طرح کے حیوان کی صورت میں اٹھایا جائے گا؟ جس طرح کے زیادہ گناہ اس نے کیے، جس طرح کے جانور کے ساتھ تشبیہ دینے والے گناہوں کو اس نے انجام دیا، اس طرح کے جانور کی صورت میں روز قیامت اس کو اٹھایا جائے گا۔ مثلاً جو لوگ اس دنیا میں تکبر کا گناہ زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثال تکبر، جو لوگ زیادہ تکبر کرتے ہیں یہ روز قیامت چونگی کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، اور جنہیں یہ تکبر دکھاتے ہیں انہیں حق دیا جائے گا کہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر چلو۔ یہ متکبر تھے، جنہیں اپنی دولت کا تکبر تھا، مال کا تکبر تھا، عہدے کا تکبر تھا، تو تم اب چلتے وقت ان کے اوپر اپنے پاؤں رکھو، یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ روز قیامت انسان چونگی کی صورت میں اور بھی جانوروں کی صورت میں معشوق ہو جائے گا، جیسے جیسے اس کے گناہوں میں اس طرح کے جانور کی صورت میں یہ انسان قیامت کے دن معشوق ہوگا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو انسان پیدا ہونا آسان ہے، انسان جینا مشکل ہے، انسان پیدا ہونا شرف کی بات ہے، انسانیت پر قائم رہنا کمال کی بات ہے، انسان پیدا ہونا اللہ کا کرم ہے، ہمیشہ انسان ہی رہنا یہ انسان کا اپنا ذاتی کمال ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، سنیے ذرا غور فرمائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین ابھی ہے بیڑا ہی پار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسین کا ہم ماتم کرتے ہیں، علی مولا ہمارے آقا مولا اور سردار ہیں، جنت ان کی جاگیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہیں دو رقم کیسے جائیں گے؟ ان لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلے چرچ پیو یا بھنگ پیو، بھلے نماز نہ پڑھو، حلال حرام کی پرواہ نہ کرو، جنت تمہاری پکی ہے، کیونکہ تم علی علی کو کرتے ہو، انہوں نے سمجھ لیا علی بھی ایسا ہی لیڈر ہے جیسے ہمارے سیاستدان ہیں، جیسے کہ ہمارے دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں نا، ہم ان کے سچے جھوٹے جیسے بھی نعرے لگائیں یہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی تعریف سننا، اپنے نعرے لگوانا نفس کی کمزوری ہوتی ہے، دنیا پرست لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، علی امام المتقین ہے، اس کی نافرمانی کرو،
अली राजी हो जाएगा? नहीं होगा। एक दूसरी बात सुन लीजिए, जो लोग रोजे कहते हैं कि रोजे कयामत अली मौला हमें हाथ पकड़ेंगे, शिफात करेंगे, जन्नत में ले जाएंगे, एक बात याद रखना, आले मोमिनों की शिफात पर हमारा अकीदा और हमारा ये भी अकीदा है कि अहले बैत की शिफात के बगैर कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। कोई बल्कि कोई बड़ा आप ही जो भी हो, आले मोमिनों की शिफात के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। और जिसकी शिफात आले मोमिन कर देंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसमें जन्नत में जाना ही जाना। जिससे अहले बैत लोग मोड़ लेंगे, चाहे वो जाहिर में बड़ा मुत्तकी परहेज़गार आबे तो जाहिर ही ना हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसमें दो लोग में जाना ही जाना है। ये बात तय है, ये बात तय है, वीडियो बन रही है, जहाँ जहाँ तक मस्जिद जा रही है ये बात तय है। और आज मोहम्मद को खुदा की तरफ से शिफात का इख्तियार भी होगा, वो खुदा के बल्कि अपना काम क्यों बोलता है, जन्नत में जानवरों ने नहीं इंसानों ने जाना। नींद पूरी ना होने की वजह से आवाज़ खस्ता हो गई है,
होगा एक बेवा माँ के लाल का, कासिम इब्ने हसन का। कौन है कासिम? हसन का लाल है। यतीम हुआ था जब उम्र कासिम की दो यतीम साल की, 28 सफर 50 हिजरी आधी रात का वक्त कासिम के बाप को जहर मिली, हसन माता को जैसे ही जहर मिली, एक मरतबा मेरे मौला हसन ने कासिम की माँ से कहा, कासिम कासिम की माँ मुझे जहर मिल चुकी है और मैं चंद लोगों का मेहमान रह गया हूँ, मेरे कासिम को उठा के दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को बुला कर और खुदा हाफिज कह लूँ। आधी रात का वक्त 1400 साल से पहले आधी रात का वक्त सारे बच्चे बच्चे सो गए होते हैं, कासिम सो रहा था गहरी नींद में था, और फिर 2 या 3 साल का बच्चा जब सोता है वो गहरी नींद में होता, बच्चा बहुत गहरी नींद में सो रहा था। माँ के दिल बड़े नाजुक होते हैं, माँ की मांग का हर जगह होती है, माँ ने बच्चे को इस तरह उठाया कि बच्चा सोया ही हुआ है, बच्चे की आँख ही उठी खुली, बच्चे को बहुत प्यार से उठाया, बाबा के सीने में लाकर डाल दिया। कासिम नींद में है, बेहतर से कासिम की माँ ने उठाया है, कासिम के सीने पर डाल दिया। बच्चा जैसे ही बाप के सीने पर आता है, एक मतलब आँख खोलता है, तड़पता है, तड़प के पीछे हटता है, पीछे हट के कहते हैं, अम्मा क्या आपने मुझे किसी गर्म जगह पर, अम्मा क्या आपने मुझे किसी गर्म जगह पर डाला है। माँ कहती है, बेटा कासिम आँखें खोलो, आँखें खोलो, ये गर्म जगह नहीं है, ये तुम्हारे बाप पसीना है, तुम्हारे बाप को जहर मिल चुकी है, तुम्हारे वाले चंद लम्हों के मेहमान हो रहे हैं, जरा बाप से मिल लो, बाप को खुदा हाफिज कह लो। अगर अरे उस माहौल में और उस वक्त में हसन मौला ने दरस से काम के हाथों के साथ कागज और कलम मंगवा के एक ताबीज़ तहरीर की है कासिम के लिए, ताबीज़ को तहरीर करने के बाद उस ताबीज़ को हसन मौला ने कासिम के बाजू पर बांध दिया और कहा कि कासिम ये ताबीज़ अपने बाजू पर बांधे रहो, ये तुम्हें उस वक्त काम आएगा जब तुम सारी तदबीरें ढूंढ कर थक जाओगे और तुम्हारी मुश्किल कहीं से हल नहीं हो रही होगी, तो फिर ये ताबीज़ खोलना, ये ताबीज़ तुम्हारी मदद करेगा। और ये बात शहजादा कासिम की वालिदा से भी कहती, जनाब फरवा से भी कहती, और हसन शहीद हो गए और कासिम यतीम है, जनाब फरवा जवानी में विवाह हो गई, और जब करबला से चले हैं मौला हुसैन तो कासिम की माँ 12 या 13 साल की देवगी का जमाना गुजार चुकी है, 12 या 13 साल का देवगी का जमाना जो है वो गुजारा है। और एक खातून जब जवानी में विवाह हो जाए और अगर उस पर कोई एक छोटा बच्चा हो जिसकी उम्र 2 या 3 साल हो, तो अब ये खातून अगली जिंदगी उस बच्चे की उम्मीद पर गुजारती है, इसकी सारी आरजुएं तमन्नाएं उम्मीदें उस बच्चे से वापस होती हैं, उसकी हसरत होती है मैं अपने शहजादे को पालूंगी, एक दिन ये जवान हो जाएगा, मेरी सारी तकलीफें और दुख मिट जाएंगे, मेरे लिए आसानियों के दिन आ जाएंगे, जब मेरा लाल जवान हो जाएगा मेरे आंगन में आसानी आ जाएगी, मेरे शहर में भी खुशियाँ आ जाएंगी, एक दिन मैं कासिम को दूल्हा बनाऊंगी, इसके लिए मैं जान सी दुल्हन लेकर आऊंगी, ये माँ के अरमान हैं और इन्हीं अरमानों के साथ उनका फरवा भी आगे बढ़ रही है। आ गई 60 हिजरी मदीना छोड़ना पड़ता है, अल्लाह तारो उनमें फरवा ये बेवा हो जाने के बाद भी अपने यतीम लाल कासिम के साथ कहाँ रही, अली बतूल के घर में, इसलिए कि अली बतूल की बहू थी। आमतौर पर अरबों के यहाँ ये कल्चर कम था, लेकिन जनाब उम्र फरवा उसी घर में रही है, ससुराल में रही है, हुसैन जैसे शहनशाह के साहे में रही है, बतूल और अली की बहू बन के रही है, कमी किसी चीज की नहीं थी, जनाब जैनब का साया भी नसीब था, हुसैन जैसे शहनशाह का साया भी नसीब था, कायनात का अजीम घर था, कायनात के अजीम घर की बहू थी। हाँ अपने लाल से उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी, मैं कहूँगा सलाम रखकर फरवा को कि जब मदीना छुट रहा था तो उन्होंने फरवा को पता था कि किस मिशन पर जा रही है, नहीं कहा उम्र फरवा ने कि मैं एक बेवा हो रहा तो मेरा क्या काम है, मैं क्यों साथ जाऊँ, नहीं ये कहा, ये भी नहीं कहा कि मेरा तो एक अकलौता बेटा है इसका बाप भी नहीं है इसे मैं इतने सफरों में क्यों डालू, नहीं कहा। उम्मे फरवा के इमाम शनास है, उम्मे फरवा दीन शनास है, उम्मे फरवा वफादार है, उम्मे फरवा अपनी कुर्बानी अपने साथ लेकर चल रही है, जब आई है ना करबला
شبِ عاشور، اور شبِ عاشور میں جب ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کرنا شروع کی ہے نا، تو ام فروا اپنے خیمے میں اپنے سامنے 12 سال قاسم کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ قاسم کل تمہیں پہلے جانا ہے، پڑھ پڑھ کے حملے کرتے ہیں، اپنے باپ کی نمائندگی بھی کرنی ہے، حسن کی جنگ یاد دلانی ہے، تو بتانا ہے کہ میں حسن کا لال ہوں، اور دیکھ میری لاج رکھنا، اگر تیرے قدم پیچھے رہ گئے نا تو سب یہی کہیں گے کہ بیٹا تو حسن کا ہے، مگر شاید ام فروا نے تربیت اچھی نہیں کی. میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، ابھی رات کا وقت ہے، ابھی کسی وقت چلا جا اپنے چچا جان کے خیمے میں، آقا حسین کے خیمے میں، ابھی ان سے پوچھ کے آ جا کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے. یہ رات پوچھ کیا کہ کل کے شہیدوں میں، تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، میں مطمئن ہو کر رات گزار سکوں. شہزادہ قاسم ماں کا حکم پاتے ہی اپنے خیمے سے نکلے، چچا کے خیمے میں آئے، مولا حسین کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ آقا حسین اپنے خیمے میں مصروف نماز ہے، مصروف عبادت ہے. قاسم ایک طرف بیٹھ گئے اور چچا جان کی نماز تمام ہو جا تو میں پوچھوں. حسین مولا کی جیسے نماز تمام ہوئی، رخ پھیر کے دیکھا، جوان بھتیجا کہیں پر بیٹھا ہوا ہے. حسین کہتے ہیں، قاسم آج ہی رات کا وقت ہے، اس وقت ماں کو اکیلا چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ قاسم کہتا ہے، اماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے صرف ایک بار پوچھنے کے لیے. حجروں کا مطلب جدا عمر کو ماں کو سا دیجیے، آپ شرما کے بولیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے. ادا کرو، میں مسلسل بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جب ادا آنے سجتے ہیں نا، ادا کرو، جب وہاں پہ ماں بارگاہ میں آتے ہیں نا، تو روزانہ 3 بیویاں کو سا دینے کے لیے آتا ہے. ایک حسین کی ماں ہے ٹوٹے ہوئے بچوں کے ساتھ والے جس میں آتی ہے، دو بیویاں شام والی ہیں، ایک حسین کے حصے کی بہن زینب، دوسری حسین کی وہ بیٹی جسے 4 سال کی بچی تھی اور میں نے غربے میں شام کے خرابے میں دفن کیا. یہ تینوں بیویاں تو روز مجلس میں ہوتی ہیں نا. آج میں مسائل پڑھ رہا ہوں قاسم کے، آج قاسم کی ماں ام فروا بھی آئی ہوئی ہے. لڑکا نہیں سکتا، خیال آیا کہ
अपने को आसिम पलट के आ गए, सवाल दे दिया। आसिम का दिन आया, सारी मंदिरें छोड़ दी मैंने, बस आखिरी जुमले में आशूर का दिन आया, आशमी उतार गए, आशमी अपने अपने मौके के हिसाब से जाकर बेचते रहे। कासिम आ गए, कहते हैं चाचा नाम अब तुम ये इजाजत दे दीजिए। हुसैन मौला ने कासिम को सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक देखा, हुसैन की निगाहों में भाई हसन की तस्वीर पड़ गई और कहा कि कासिम जल्दी न करो, थोड़ा सब्र करो, ऐसे जवान को मौत की इजाजत देना मुश्किल मुश्किल होता है। कासिम अभी थोड़ा ठहरो, जल्दी न करो। कासिम इमाम का हुक्म पाते हुए इजाजत करते हैं, बहस नहीं करते, नहीं मुझे इजाजत आ गए, लेकिन बड़े परेशान हैं कि चाचा जान से इजाजत भी लेनी है और चाचा जान आसानी से इजाजत भी नहीं दे रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। बैठे बैठे एकदम ख्याल आया, वक्त आखिर बाबा ने कहा भी था, अपने बाबा की लिखी हुई तहरीर सामने आ गई, हसन मौला के हाथों का लिखा हुआ खत जो बंधा हुआ था कासिम के बाजू पे, क्या लिखा हुआ था, बेटा कासिम करबला में मैं नहीं होगा मगर तू होगा, तुमने कासिम बन के नहीं हसन बन के करना, और अगर तेरा चाचा इजाजत न दे मेरी तहरीर दिखा देना। अब कासिम ने बाबा के हाथों की तहरीर ली, चाचा हुसैन के सामने आए, हसन मौला के हाथों की तहरीर है, हुसैन की निगाहों के सामने आ रही है। 10 साल के बाद हुसैन अपने भाई के हाथों के लिखे हुए कैसी तहरीर को देख रहे हैं, तहरीर को लिया, तहरीर को चुमा, वसीयत आ गई थी भाई की, इसलिए अमल करना जरूरी था, कासिम अपने समय खाना नहीं कर सकता, भाई की वसीयत आ गई है, कासिम को दिया, खैमों में आए, कहा जिन जिन बीवियों ने भी रुख्सत करना है कासिम को कर लो, बीवियों ने बहन किए, बीवियों ने गिरिया किया, बीवियाँ रोई, उम्मे फरवा से कहा अपने रान को रुख्सत करो, उम्मे फरवा कहते हैं नहीं मैं अब सिर्फ उसके लाशे का इंतजार करूँगा, ताकि मैं बाद में तुम्हारे सामने सर बरो हो जाऊँ। अल्लाह का हुसैन आ गए और हुसैन ने आकर शहजादे कासिम के बदन पर जंग की हथियार फेंका और फिर कहा कि भाभी जान वो भाई हसन वाला जो संदूक है जिसमें कासिम मौला हुसैन के साथ शरीफ को शामिल हैं, उसमें से एक
मुसीबत ये है कि या तो हुसैन का नशा घोड़ों की टांगों से पामाल हुआ या कासिम का नशा घोड़ों की टांगों से पामाल हुआ, फिर भी एक फर्क है। हुसैन के नशे पर घोड़े दौड़े थे, कासिम का नशा उस वक्त पामाल हुआ जब कासिम की सांस चल रही थी। आए घोड़ों के समूह ने शहजादे की दाएं की पसलियां बहाए, बाएं की पसलियां दाएं। जब हुसैन पहुंचा है ना कासिम की लालच पर, कासिम की लालच पर बला पर तकसीम हो चुकी थी। फातिमा के लाल ने अपनी अबा उठाई, फर्श कर बला पर अबा को बिछा दिया, कोई टुकड़ा यहाँ से उठाया, कोई टुकड़ा वहां से उठाया, सारे टुकड़े जमा करके एक अबा में डाले, अबा की गठड़ी बनाई, गठड़ी को पोष के रखा। गठड़ी को पीछे से आगे की तरफ दिया, बीवियों के सामने गठड़ी रखी, गठड़ी को खबर दिया, अर्थात उनमें फरवा को बुलाओ, भाभी जान ये आपके आशीर्वाद